नीतीश कुमार जोर का झटका धीरे से देने के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर इस तरकीब को आजमाते रहे हैं और उन्हें ये राजनीतिक तौर पर फायदा पहुंचाती रही है। लोग इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। लोकसभा चुनाव होने में 4 महीने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले इस सर्दी में भी बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। कुछ दिनों से मीडिया में जो खबरें आ रही थीं कि ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे, वो सच साबित हुई। दूसरी अटकल ये भी लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारकर बीजेपी का सहयोगी बनने एनडीए में जाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार जोरदार झटका धीरे से देने के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर अपनी इस तरकीब को आजमाते रहे हैं और उन्हें यह तरकीब राजनीतिक तौर पर फायदा भी पहुंचाती रही है। कुछ लोग इसे ही नीतीश कुमार का प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं। वो मौका देखकर इसे कभी लालू के साथ तो कभी बीजेपी के साथ अपने रिश्तों का लिटमस टेस्ट करने के लिए भी आजमाते रहे हैं। इसी अदा के बल पर कुछ महीनों को छोड़कर नीतीश कुमार 2005 से लगातार बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। जेडीयू में नई हलचल और नीतीश के बारे में नया सियासी शिगुफा तब छोड़ा गया जब इंडिया अलायंस की बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम देश के पहले दलित प्रधानमंत्री के कार्ड के तौर पर प्रस्तावित कर दिया और उसका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समर्थन कर दिया। इससे न सिर्फ नीतीश कुमार असहज दिखे बल्कि उन्हें केंद्र की राजनीति में भेजने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी नाराज हो गए। जब पिछले साल जेपी के दोनों चेलों के बीच गठबंधन हुआ था तब आपसी सहमति बनी थी कि नीतीश केंद्र की जिम्मेदारी संभालेंगे और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी को बिहार की कमान सौंप दी जाएगी। तब तक भतीजा चाचा से सुशासन की ट्रेनिंग लेते रहेंगे, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति होती नहीं दिख रही है। अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है और इंडिया अलायंस के सहयोगी दल शिवसेना ही गठबंधन के नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहा है, तब लालू को उम्मीद थी कि उनके छोटे भाई नीतीश को संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दूसरी तरफ बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि लालू अपने बेटे की पूर्ण ताजपोशी के लिए बेचैन है। खबर यहां तक उड़ी कि नीतीश के ऐसा नहीं चाहने की स्थिति में ललन सिंह लालू परिवार को मदद कर सकते हैं और कुछ जेडीयू विधायक तोड़कर दे सकते हैं। इससे नीतीश चौकन्ना हो गए। बताया जा रहा है कि ये राजनीति है, सत्ता का खेल है, कुछ भी संभव है। बगल में बैठा शख्स कब क्या कर दे, किसी को इसका अंदाजा नहीं रहता। सो नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह प्रकरण से सीख लेते हुए ललन सिंह को पहले किनारा करना उचित समझा। उनके इस कदम से पटना से लेकर दिल्ली तक संदेश साफ तौर पर पहुंच गया है। वो लालू यादव और कांग्रेस दोनों को ये संदेश देने में कारगर रहे हैं कि उनके पास तीसरी खिड़की यानी बीजेपी का विकल्प खुला हुआ है। अगर उन्होंने इस विकल्प का इस्तेमाल किया तो पटना से लेकर दिल्ली तक की गद्दी फिर नहीं बदलने वाली है। नीतीश ने बीजेपी नेताओं से अपनी दोस्ती के बारे में बयान देकर सबको संकेत दे दिया था कि उनके लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। उनके साथ लंबे समय तक काम करने वाले प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि नीतीश अलग तरह की राजनीति करते हैं। वो एक दरवाजा खोलते हैं तो पीछे से 2 दरवाजे और खिड़की खुली छोड़कर आ जाते हैं। जून में जब उन्होंने पटना में विपक्षी दलों की बैठक की अगुवाई की थी तब उन्हें इस धड़े का नेता बताया जा रहा था। जुलाई में फिर सभी नेता बेंगलुरु में मिले, तब भी 2 महीने में उसमें कोई प्रगति नहीं हुई तो नीतीश ने अगस्त में कुछ ऐसा बयान दिया जिससे लालू यादव और कांग्रेस को लगा कि उनकी बात अमित शाह से हो रही है। इसके फौरन बाद विपक्षी दलों की नींद टूटी और मुंबई में मीटिंग बुलाई गई और 19 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। इतने दिनों तक फिर कांग्रेस सोई रही और चुनाव में व्यस्त रही। अब जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई तब नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, लेकिन इसमें भी कोई ठोस निकलने के बजाय नीतीश के लिए निराशा निकली। इसलिए उनकी ये पुरानी और आजमाई गई तरकीब फिर से सामने आई है। इसमें इंडिया गठबंधन को संभालने का एक अल्टीमेटम भी छुपा हो सकता है। इससे पहले नीतीश ने उस वक्त भी सबको चौंकाया था जब वो G20 मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति के डिनर में तुरंत शामिल होने पहुंच गए थे। इसके अलावा वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में बिना बुलाए तेजस्वी को लेकर पहुंच गए थे। साफ तौर पर कि नीतीश कुमार अपने हर कदम से एक संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं जो उनके लिए फायदेमंद रहा है। मौजूदा कोशिश में वो इंडिया गठबंधन के घटक दलों को ये संदेश देने में कामयाब रहे हैं
कि अगर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ा लिया तो सबके सपनों पर पानी फिर सकता है। फिर विपक्षी खेमे के पास में न तो पटना रह पाएगा और न ही दिल्ली।